नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच परगना खबर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की। 18 वर्ष का ये युवक आईपीएस बन गया है। युवक वर्दी पहनकर और पिस्टल लेकर गांव आ गया। अपनी मां को बताया कि वो आईपीएस बन गया है। खुशी के मारे सिकंदरा चौक पर घूम रहा था और लोगों को बता रहा था कि वो आईपीएस बन गया है। आईपीएस बनने की खुशी में समोसा और मिठाई भी खाई, लेकिन इसी दौरान किसी ने सिकंदरा पुलिस को सूचना दे दी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऐसा ही मामला तूल पकड़ा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बिहार में ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। वहां ठग युवकों को 2-2 लाख रुपए में आईपीएस अफसर बनाने का ऑफर दे रहे हैं। पैसों के बदले नौकरी, वर्दी, फैंसी ड्रेस वाली और पिस्टल दी जाती है। नौकरी लगने के बाद 30,000 रुपए और देने होते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि कथित तौर पर उसी ठगी का शिकार हुए एक युवक नकली वर्दी और पिस्टल के साथ पकड़ा गया है। युवक का नाम मिथिलेश कुमार है, उम्र 18 साल है, लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के गोवर्धन बिघा इलाके का रहने वाला है। कमिंग सर, आइए 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 आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में, आइए। आईपीएस कब बने हो? जैसे पैसा दिए, बस सब कुछ बन गया। किसको पैसा दिए हो? मनोज सिंह को। कहाँ के है मनोज? कब दिया था पैसा? हो गया करीब 1 महीना। कितना पैसा दिया है? 2 लाख रुपए। आईपीएस बनने के लिए? हाँ। कब बना दिया आईपीएस? करीब 2 तारीख को, 4 तारीख। 4 तारीख को बनाया है। अभी कहाँ घूम रहा था? वर्दी वही बोला था। वर्दी पहन के अभी कहाँ कहाँ जा रहा था? नहीं, वही बोला पहन के आ तुम। अच्छा, वही बोला है। वर्दी कहाँ? पिस्टल दिखाओ। पिस्टल पिस्टल वही दिया, हमको पता भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमुई में सिकंदरा थाना पुलिस को जानकारी मिली कि एक युवक आईपीएस की फर्जी वर्दी पहनकर घूम रहा है। इसके बाद पुलिस ने मिथिलेश को सिकंदरा चौक से पकड़ा। उसके पास से पल्सर 200 रुपए बाइक भी बरामद की गई है। आगे की पूछताछ में मिथिलेश ने जो कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार, पिता का नाम? घर कहाँ है? कौन सा थाना है? ये वर्दी आज तुमको कहाँ दिया? खैराम दिया था। कब? आज सुबह 4 बजे। कहाँ पे? घर पे? नहीं, खैरा चौक है, वहाँ सरकारी स्कूल है, वहीं पर। वहीं पे ये वर्दी पहना दिया। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ कैसे वहाँ से खैर सिकंदरा कैसे पहुँचे? जिससे बोला कि तुम चल जाओ घर, हम चलेंगे घर। बोला मम्मी पापा देखा, चलाएंगे। जिससे हम पढ़ाई करते थे, ठीक है, तो एक गए थे पार्क, खैरा है ना, वहाँ गए थे पार्क। तो वहाँ पे गए तो एक आदमी मिला, ठीक है, तो हम जिससे हम पैसे बात कर रहे थे, हमारे दोस्त मेरे मम्मी ने बताया है, हम ये काम करेंगे। अब चल गया तो बोला क्या तुमको हम पुलिस में दे देंगे, तुमको इतना पैसा देना। मिथिलेश ने पुलिस को बताया कि 1 महीने पहले उसकी मुलाकात खैरा के रहने वाले मनोज सिंह नाम के युवक से हुई थी। उसने कथित तौर पर मिथिलेश को पैसों के बदले नौकरी देने का वादा किया। मिथिलेश का कहना है कि उसने अपने मामा से 2 लाख रुपए कर्ज लेकर मनोज सिंह को दिया था ताकि उसकी नौकरी पुलिस में लग जाए। हालांकि इधर पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पांच परगना खबर। नमस्कार।